फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज से हम लोग इंग्लिश का एक ग्रैंड अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। आप सबको मैंने इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, इंग्लिश लैंग्वेज का। कोई भी बच्चा हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, सभी को सेलेक्ट करना है एक लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो इंग्लिश हमने स्टार्ट कर दिया है, सो द मैक्सिमम स्टूडेंट्स वुड गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट। And after end of this syllabus, yeah, end of this course, you will get an amazing PDF. Don't worry. ठीक है? So CUET 2024 का याद रखिएगा, English का ये class start हो रहा है। इसकी पूरी एक complete playlist मिल जाएगी, जिसमें English चूंकि static portion है, old वाला video भी आप देख सकते हो, जो आपके exam में आ चुका है, उसके साथ साथ हमने पढ़ाया हुआ है। So चलिए start करते हैं। हमने क्या क्या रखा है, आपको थोड़ा एक overview दे देते हैं। हमने phrasal verb रखा है, OWS रखा है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रखा है। आने वाली क्लासेस में अगर आपने वीडियो लाइक किया और चैनल सब्सक्राइब किया, तो हम लोग इस पे बेस्ड एमसीक्यू भी लेकर के आएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हालांकि मैंने दिखा दिया है, फिर भी लेकर के आऊंगा और उसकी सिमिलैरिटी दिखाऊंगा। और मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस में ये बताया था कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में 75% रूल जो है वो वर्ड्स का है, चाहे एंटो हो, साइनो हो, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, फ्रेजल वर्ब हो, सब कुछ वर्ड पे बेस्ड हो। इवन की इफ यू डोंट नो द राइट वर्ड एंड द राइट मीनिंग, देन यू कांट गेट करेक्ट मार्क्स इन योर पैसेज ऑल्सो। पैसेज क्या होता है, 300-400 वर्ड्स का एक छोटा सा लिखा हुआ पार्ट होता है, जिसे हम स्टोरी कह सकते हैं, स्टोरी के तौर पे, लेकिन उसमें वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको भरोसा नहीं है तो जाकर के देख लो। सो ये इंट्रो क्लास था, वी विल ब्लास्ट दिस, डोंट वरी। हम लोग इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स पाएंगे, 40 क्वेश्चन आपको करना है। मेरा टारगेट है 200 में से 200 नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ फ्रेजल वर्ब्स ओडब्ल्यूएस रखा है, तो शुरुआत करते हैं इसी से। पहला है अकॉर्ड टू। सो अकॉर्ड टू का मतलब होता है टू प्रोवाइड। याद रखिएगा, किसी को जब भी कोई चीज प्रोवाइड करते हैं, सो डायरेक्टली मग अप ऑल द फैक्ट्स। इसको डेली डेली याद करना है। मेरे साथ आप अगर डेली पढ़ोगे ना, आपको दिमाग पे ज्यादा लोड भी नहीं लेना होगा, और आपको मैं एग्जाम ओरिएंटेड जितनी चीजें दूंगा वो सफिशिएंट होंगी आपके एग्जाम के लिए। थोड़ा मेहनत, थोड़ी डिसिप्लिन, और बाकी सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, वो भी रेगुलर बेसिस पे। सो अकॉर्ड टू का मतलब क्या होगा, टू प्रोवाइड, राइट। एड अप, टू मेक सेंस। एड अप, बहुत लोग होते हैं ना कि सर मैं थोड़ा एड ऑन करता हूं, आई विल एड ऑन समथिंग। So, add on का मतलब होता है कुछ छूटे हुए चीज में थोड़ा सा और जोड़ देना, या कुछ किसी ने कुछ किया है तो थोड़ा और ऐड कर देना। लेकिन एड अप का मतलब होता है टू मेक सेंस, किसी भी चीज का सेंस बनाना, राइट। एडमिट ऑफ, एडमिट के साथ जब ऑफ लग जाए, व्हाट इज द मीनिंग, सो टू हैव द स्कोप, इट्स मीनिंग इज टू हैव द स्कोप, किसी चीज का स्कोप होना। आंसर फॉर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आंसर फॉर, सो आंसर फॉर का मीनिंग होगा टू बी आंसरेबल फॉर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, सो प्लीज लेट मी नो, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आई विल प्रोवाइड इट टुडे। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का क्या मतलब है, टू इंक्वायर अबाउट। आस्क आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब, राइट। सो आपको यह ध्यान रखना है कि इसकी मीनिंग आस्क के साथ कुछ और रहेगी, जैसे आस्क इन होगा तो अलग हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी याद करना है, आस्क आफ्टर, टू इंक्वायर अबाउट, किसी भी चीज के बारे में पूछताछ करना। सो आस्क आफ्टर हो, उस चीज के पीछे, उस चीज के बारे में आस्क करना, मतलब आस्क आफ्टर, इंक्वायर अबाउट, राइट। अटेंड ऑन, अटेंड तो ऐसे नॉर्मल वर्ड होता है, आपको मालूम है, बट अटेंड के साथ जब ऑन लग जाए तो क्या हुआ, टू सर्व, टू सर्व इन द सेंस से कोई गेस्ट आया तो अटेंड ऑन द फूड टेबल, राइट। So, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, और ये एग्जाम में आपको फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे पूछ दी जाती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखो आप, चाहे सीयूटी होता था या उसके पहले भी, सभी जगह ये इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज आपको कुछ वर्ड्स हमने रखे हैं, लाइक एपेटाइट। एपेटाइट की मीनिंग क्या है, याद रखो, जो एपेटाइट किसी तरीके से वर्ड मैं बताऊं आपके लिए यूजफुल है। वर्ड्स का बहुत बड़ा दायरा है, जितना पढ़ोगे आप, जितना रीड करोगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। सो एपेटाइट मतलब भूख। ब्रूटिस, ब्रूटिस क्या होता है, ब्रूटिस मतलब पशुवत, लाइक एनिमल्स, है ना। ब्रूटिस इन द सेंस बिहेवियर वाइज यूज करते हैं इस वर्ड को, ब्रूटिस मतलब पशुवत, लाइक एनिमल, जैसे कोई खा रहा है, सो ब्रूटिस फूडिंग हैबिट, ब्रूटिस बिहेवियर। तो उसको कहते हैं ना, जैसे किसी ने, आपने सुना होगा, किसी ने मार दिया, लेकिन कोई इतनी बेरहमी से किसी को मारता है,
कि उसको मतलब जैसे किसी एक गर्लफ्रेंड का कहानी हुआ था, आपने देखा होगा, आई थिंक दिल्ली का ही ये कहानी था, कहानी नहीं था रियल स्टोरी है, क्रिमिनल था एक जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को काट काट दिया और पूरे दिल्ली में वो कर दिया, तो वो ब्रूटस है, पशुवत है। सिनोनिम एंटोनिम्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्लीज नोट इट डाउन, अगर आप नोट कर रहे हो तो वेल एंड गुड, ये आपके पास एक कंपेंडियम एक हो जाएगा जिसको आप रिवाइज करके एग्जाम दोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। हैविंग और शोइंग द नेचर एंड एपेटाइट ऑफ अ लोअर एनिमल एज द मंथ्स ऑफ रिकरेंट कॉम्बैट एंड ड्रैग ऑन द डेली एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्जर बिकेम इंक्रीजिंगली ब्रूटिश। ये मतलब एक एग्जाम्पल इस पे दिया हुआ है कि हमेशा लड़ाई और युद्ध वाले माहौल में रहकर के जो सैनिक होते हैं ना ब्रूटिश हो जाते हैं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स में मींस सिमिलर वर्ड। देखो ये पैटर्न जो हम लोग फॉलो करेंगे ना लर्निंग का, इसके आगे मैंने आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रखा है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड मैंने रखे हैं आपको कंफ्यूज होने के लिए, नहीं आपको एक एक वर्ड जानना है, उसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, सो आपकी ये काम है, राइट। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनिमलिस्टिक, बीस्टली, बेस्टियल, ब्रूटल, ब्रूट, फीरल, फिराइन, सब ह्यूमन, स्विनिस, राइट। देखो ये डायरेक्ट सिनोनिम है, इनको अगर आप याद करोगे तो ये एज ए सिनोनिम याद नहीं होगा। अगर आप एक ही बार में चाहोगे कि इसको पूरा याद कर लूं, याद नहीं होगा, मेरा भी ये मानना है, लेकिन इसको कैसे याद करोगे? बार बार आप देखोगे, राइट। रिलेटेड वर्ड्स में अगर आते हैं तो एनिमल, बॉडी, ये रिलेटेड वर्ड्स है, आप इसको मिस भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे वर्ड है। नियर एंटोनिम्स की अगर बात करें यानी अपोजिट वर्ड, तो क्या हो जाएगा? देखो सिवैलरस, एलिवेटेड, गैलेंट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेट हार्टेड, हाई, हाई माइंडेड, लॉफ्टी, लॉर्डली, मैग्नेनिमस, नोबल, सबलाइम, एंजेलिक, राइट। ये हो गए इसके, एंजेलिक मतलब होता है देवता के समान, सिवैलरस, इन सब के अपने अपने मीनिंग होते हैं, पर नियर एंटोनिम ये हैं। अगला जो एक वर्ड है वो है नेस्टी। सो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ नेस्टी? मैला। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देख लो, एबोरेंट, घृणापद, एबोमिनल, लीच टाइप का, जो ये भी घृणा के रूप में, अपालिंग मतलब निगेटिव सेंस में बहुत आश्चर्य करने वाला या घृणित, ऑफुल, ओ ऑफुल, ऑफुल और ऑसम, याद करो ऑसम मतलब होता है अति सुंदर, ऑफुल मतलब अति भद्दा, अति गंदा, डिस्गस्टिंग, डिस्टेस्टफुल, सबका यही मीनिंग है, बट यहां जब आप पढ़ोगे तो आपको ये सारे वर्ड्स एक जगह मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि पूरा वर्ड आप याद करो, ये इतना आपके लिए काफी है, राइट। ड्रीडफुल, ईविल, फाउल, फलसम, ग्रॉस, हाइडियस, हॉरेंडस, हॉरिबल, हॉरिड, लोथसम, नॉजिएटिंग, नॉसियस, नॉइसम, नॉक्सियस, ऑब्सीन, ओडियस, ऑफेंसिव, रैंसिड, राइट। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो अग्रीएबल, कंजेनाइल, गुड, ग्रेटफुल, ग्रेटिफाइंग, नाइस, प्लेटेबल, प्लीजेंट, प्लीजिंग, प्लेजरेबल, सेटिस्फाइंग, वेलकम, राइट। सो कितने सारे मीनिंग है, लेकिन बस इसको आपको एक बार सुनना है। वर्ड्स ज्यादा रखने का मतलब है, देखो मुझे मतलब मैंने 5-6 साल बहुत वर्ड्स पे मेहनत किया था, हिंदू के सारे वर्ड्स कलेक्ट किए हैं मैंने, 5-6 लाख वर्ड मैंने लिख डाले हैं। मैं वो चाहता हूं कि आपको वर्ड्स की डाइवर्सिटी पढ़ाओ, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज ही काम आएगा, क्योंकि कहने के लिए सभी लैंग्वेज में सभी सरकारें कह रही है कि भाषा को हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जब तक जॉब नहीं दोगे उसमें कोई फायदा नहीं उस प्रमोशन का। तो वही चीज इंग्लिश के साथ है, जो इंग्लिश जान रहा है उसके इंटरव्यू क्लियर हो जाती है, आपने जानना है ये सारी चीजें। सो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब योग्यता, प्रूडेंस, समझदारी। एक्चुअली मैं जिन बच्चों को डायरेक्ट हिंदी में प्रॉब्लम है, प्लीज लेट मी नो, वो मुझे बताएंगे तो मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा। कोरोलरी मतलब परिणाम, स्टेड, गंभीर, उबाऊ। एड्यूरेशन, चापलूसी या खुशामद। फटीग, फटीग का क्या मतलब हो जाएगा? थकान, राइट, फटीक का थकान। और ये जो हमारा सेशन है ना, ये बहुत लंबे समय तक चलेगा आपके एग्जाम तक, याद रखिएगा, एग्जाम से पहले हम मैराथन सेशन भी इसका लेंगे, सो आपको उबना नहीं है, आपसे आपको बने रहना है। नन प्लस्ड का क्या मतलब होता है? नन प्लस्ड मीन सरप्राइज समवन टू सो मच दैट ही और शी डजंट नो व्हाट टू डू और से इट इज यूज्ड इन द पैसिव। सी वाज कंप्लीटली नन प्लस, सीधा समझो ना कि मतलब नन प्लस्ड का मतलब हो गया हौचक्का, हक्का बक्का रहना, ये सब हो जाता है नन प्लस की मतलब, ठीक है। सी टोल्ड दैट सी वाज नॉट क्वालिफाइड टू टेक द टेस्ट। अब आ जाते हैं हम लोग किसी और तरीके के स्पेशल वर्ड्स के बाद, ठीक है। ये जो है ना ब्लो ओवर, बैंक अपॉन, हमने जो पढ़ा था अभी ए वाला फ्रेजल वर्ब, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है, तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे, कल भी इसी टाइम पे आपको बनना है, 4 बजे हमारी टाइमिंग है, इसकी आ जाएगी, डोंट वरी।
अब हम लोग आ जाते हैं कुछ स्पेशल वर्ड्स के ऊपर. अकाउस्टिकोफोबिया, लाइक फियर ऑफ वर्ड्स. अकाउस्टिकोफोबिया, देखो इसमें रूट वर्ड है क्या, फोबिया. अब इसके आगे जो भी लगा देंगे, ठीक है, तो वो उस चीज का डर हो जाएगा, उस चीज का फियर हो जाएगा, राइट. सो सबसे पहले आपको फियर किसी भी चीज का दिखाना हो तो उसके लिए डिजिग्नेटेड वर्ड, जो रूट वर्ड है वो कौन सा है, फोबिया. सो अकाउस्टिकोफोबिया, राइट. धीरे धीरे हम कंप्लीट इंग्लिश में, मैं बोलूंगा भी इंग्लिश में, लेकिन आज चूंकि ये इनिशियल क्लास है इसलिए आपके लिए ये जरूरी है. एक्रोफोबिया या एरोफोबिया, फियर ऑफ फ्लाइंग. क्या है, फियर ऑफ फ्लाइंग. माइसोफोबिया, फियर ऑफ कंटेमिनेशन. एक्मोफोबिया, AICHO, देखो आप यहां पे फोबिया, फियर ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट्स. बहुत लोग होते हैं ना जिनको शार्प ऑब्जेक्ट से बहुत डर लगता है. मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे. फिर से देखो, अकाउस्टिकोफोबिया का क्या होगा, फियर ऑफ साउंड, राइट. नेक्स्ट क्या है, एक्रो या एरो, फियर ऑफ फ्लाइंग. एरो फॉर आप मान सकते हैं एरोडायनामिक्स, फिजिक्स में भी होता है. यहां पे एक्रो है, एक्रो मींस फियर ऑफ फ्लाइंग, राइट. माइसोफोबिया, फियर ऑफ कंटेमिनेशन. एक्मोफोबिया, फियर ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट. अगला है थैनाटोफोबिया, फियर ऑफ डेथ. क्या है इसका, फियर ऑफ डेथ, मौत से जिसको डर लगता है. हालांकि डर लगने का क्या फायदा, तो आना ही एक दिन. अल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन. एगोराफोबिया, ओपन स्पेस. बहुत लोग होते हैं जिनको ओपन स्पेस से डर लगता है, अगोराफोबिया, राइट. एल्यूरोफोबिया, गैटोफोबिया. एल्यूरो या गैटो, ये दोनों कैट के लिए यूज होता है. देखो फोबिया रूट वर्ड है, इसके आगे जो भी लगा दो कैट के लिए, एल्यूरो, एल्यूरो या गैटो कैट के लिए यूज होता है. एल्गोफोबिया या डाइनोफोबिया, अब ये कमेंट करके आपको बताना है, या आप सर्च करो इन दो वर्ड्स को, मैंने यहां लिख दिया है, और इसको प्लीज कमेंट दिस, राइट. ओके, एंड्रोफोबिया, मेल, मर्द से जब डर लगे तो उसको एंड्रो, क्योंकि एंड्रो वर्ड जो है मेल के लिए यूज होता है. इसी तरीके के हमने और भी वर्ड्स रखे हैं आपके लिए, मैं डेली लेकर के आऊंगा थोड़े थोड़े वर्ड, ज्यादा एक दिन में अगर महीने भर का खाना खिलाऊंगा नहीं खा पाओगे, राइट. सो याद रखना आपको, अ कंडीशन लैकिंग ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्फिक्सिएशन, राइट. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ कंडीशन लैकिंग ऑक्सीजन, एस्फिक्सिएशन, याद कर लो एग्जाम में आएगा. अ पर्सन हु मर्डर्स बिग पॉलिटिकल पर्सनालिटी, असासिन उसको कहते हैं. क्या कहते हैं, असासिन, जो बड़े बड़े मर्डर्स करता है, पॉलिटिकल मर्डर्स, उसको असासिन कहते हैं. शोइंग ग्रेट केयर एंड परसिवरेंस, एसिड्यूअस, बहुत ध्यान रखना, बहुत परसिवरेंस मतलब उस पर अड़िग रहना, उस पर टिके रहना, इसको असिड्यूअस कहते हैं. एन आर्टिस्टिक डांस फॉर्म परफॉर्म टू म्यूजिक यूजिंग प्रिसाइज एंड हाईली फॉर्मलाइज सेट स्टेप्स, को बैले डांस कहते हैं. क्या कहते हैं, बैले डांस, राइट. टू डिसीव समवन, बिगुइल, बिगाइल, बहुत लोग इसको बिगाइल भी कहते हैं. बिगाइल इज द आई थिंक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बिगाइल, राइट, बिगाइल. अ ग्रुप ऑफ पीपल एट अ प्लेस, जहां बहुत सारे लोग एक जगह जमा होते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, जो जमा हो उनको बीवाई कहेंगे, ठीक है. आई थिंक ये क्लियर है, यस. अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस एंड ऑर्डर टू स्टील, कोई व्यक्ति कोई घर में तोड़फोड़ करके घुस जाता है उसको बर्गलर कहते हैं. अ स्लीवलेस ड्रेस, केप, स्लीवलेस ड्रेस को एक स्पेशल वर्ड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है वो क्या है, केप है. सडन एंड वायलेंट चेंज, कैटाक्लिज्म, सडन एंड वायलेंट चेंज अगर हो जाए तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, कैटाक्लिज्म. दसवा है अ बिग चर्च, कैथेड्रल, राइट, अ बिग चर्च, कैथेड्रल. आई थिंक ये चीजें आपके लिए काफी काम आ रही होंगी. अब जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, कि जो भी पॉलिटिकल मर्डर्स होता है वो, द पर्सन हु पॉलिटिकली हु डू पॉलिटिकल मर्डर, उसको कौन सा वर्ड यूज करते हैं. आई होप आपने देखा होगा, नहीं होगा तो थोड़ा रिवर्स जाओगे तो मिल जाएगा. और फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपने क्लास में. आई होप यू लाइक इट. थैंक यू सो मच. बाय फॉर नाउ.